हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव, पॉजिटिविटी जिंदा है और जिंदा ही रहेगी। और मेरा मन कर रहा था यार मूवीज के अलावा जरा थोड़ा वेब सीरीज की तरफ भी रुख किया जाए, क्या कुछ रिलीज हो रहा है, क्या कुछ मजेदार आ रहा है। तो एक जो मैंने मिस कर दी थी फ्राइडे को, वो आई थी रफ्ता रफ्ता भुवन बाम की, और उससे पहले ताज़ा खबर बहुत ज्यादा बढ़िया थी। तो क्या ये उतनी बढ़िया है कि नहीं है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन पे मत जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये जब सीरीज देखी थी तो जीरो एक्सपेक्टेशन रख के रखी थी, क्योंकि भुवन बाम का जो खुद का कॉन्टेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। तो जब हॉटस्टार के साथ उसने टाइप किया तो मुझे लगा कि यार बहुत ही बढ़िया कंटेंट है, कंट्रोल्ड कंटेंट है और एक्टिंग बहुत बढ़िया। तो ये वाली साइड में रफ्ता रफ्ता इज अबाउट रिलेशनशिप्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स, व्हेन यू स्टे टुगेदर, यू ट्राइंग टू फिगर द अदर पार्टनर एंड यू कमिट योरसेल्फ टू अर्ली इनटू द रिलेशनशिप, एंड देन यू डिस्कवर ईच अदर, देन देयर इज समटाइम्स रिसेंटमेंट, समटाइम्स सुपर लव, समटाइम्स लड़ाई झगड़ा एंड डिसकनेक्शंस ऑन लॉट ऑफ टॉपिक्स। तो डिसकनेक्शन इन मॉडर्न टाइम्स की ये कहानी है कि किस तरीके से होती है। विल दे फाइंड लव और नॉट, भुवन बाम और उसके पार्टनर नित्या, इसी के बारे में सारी स्टोरी है। बीच बीच में पड़ोसी से लेके जो रिश्तेदारों के जो कुछ भी होता है उनके घर में, वो सब चीज़ें ऐड करता है, रिलेशनशिप को चैलेंज करता रहता है। और इसी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग बन के बाहर निकलेगा, क्या ये एक दूसरे की चॉइसेस से प्यार कर बैठेंगे, क्या ये एक दूसरे की आदतों से प्यार कर बैठेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि सबसे अच्छी आदत तो ये है कि अपने अपने घर जाओ। तो बहुत अच्छे तरीके से इसको मेच्योरली हैंडल किया गया। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं यहाँ पर, तो सबने एक्टिंग अच्छी करी है, कट स्मार्ट है। जो भुवन बाम है, मेरे को एक चीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है जो मैं पर्सनली भी सीखना चाहूंगा। क्या होता है कि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो एक्टिंग में डायलॉग, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, तीनों चीजों का एक बहुत अच्छा मिश्रण होना जरूरी होता है। तो जब भुवन बाम आजकल अब जो वो कर रहा है, उसके अंदर डायलॉग्स भी हैं, उसके अंदर एक्सप्रेशन भी हैं, उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल है। और मान लो कि कोई डायलॉग बोल रहा है, जैसे नित्या कोई डायलॉग है और उसको सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन देने हैं या फिर कोई बॉडी की मूवमेंट करनी है, बॉडी स्टिफ नहीं है, एक्सप्रेशन सिर्फ अपनी बारे में तो आ रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं आ रहे, यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग द अदर एक्टर ऑल्सो। तो ये जो मुझे अब इंप्रूवमेंट दिखी वो ताज़ा खबर से भी एक नॉच ऊपर दिखी। क्या ये ताज़ा खबर से ज़्यादा एंटरटेनिंग है? आई वुड नॉट से येस, बिकॉज ताज़ा खबर में आपको बहुत चीज़ें नई भी देखने को मिली थी, ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, वो ज़्यादा बेटर एडिटेड सीरीज थी। हर एपिसोड ऐसे एंड हो रहा था कि वो क्लिफ हैंगर है, आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने का मन कर रहा था। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखी दिखाई स्टोरी दिखेगी, ऐसी स्टोरीज आप पहले भी देख चुके हो, हालांकि एंड थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश यहाँ पर करेगी है। मेरा जो मूवी जो भी स्कोर इस सीरीज के लिए रहेगा वो दैट विल बी आई थिंक 7/10। इट्स अ गुड सीरीज, कुछ चीज़ें ज़रूर इसके अंदर इम्प्रूव हो सकती थी, क्योंकि काफ़ी जैसे कहते हैं ना सिस्टमेटिक तरीके से ये चलती है, जो हमने मूवीज़ में ऑलरेडी देखा हुआ है, उससे थोड़ा बच सकते थे। उसको हल्का चेंज करने के लिए उन्होंने फैमिली अफेयर, फ्रेंड्स अफेयर उसके अंदर डालने की कोशिश करी है, इसके घर के अंदर टू चैलेंज द रिलेशनशिप। वो थोड़ा नया है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा है। तो अतिथि कभी घर आओगे, ये सब चीज़ें हमने देखी हुई हैं, तो थोड़ा लव और थोड़ा अतिथि वाला को मिक्स करके यहाँ पर इसको बनाया गया है। बाकी फिर भी ये इंजॉयबल सीरीज़ है, आप देखोगे आपको मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। समबडी इज ग्रोथ एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर टू नाउ एन एक्टर। बाय बाय।